बैक टू माई चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वीडियोस में, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग आज पढ़ेंगे और इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग मेरी वो ट्रिक अप्लाई करेगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है, ठीक है। इतना सफिशिएंट एनफ होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मनस बायोस्फीयर रिजर्व। मनस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? आसाम में सिचुएटेड है। यहाँ पे एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना कहाँ पे है? क्या है? एंडेमिक फौना है हमारी गोल्डन लंगूर एंड एंडेमिक फ्लोरा इज वाइट सिरिस। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि बीच से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। एंडेमिक का मतलब मैं बता चुकी हूँ, वो चीज़ जो सिर्फ उसी जगह पे मिले और कहीं पे ना मिले। तो एंडेमिक फ्लोरा यहाँ की मनस की क्या है? गोल्डन लंगूर। ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा ये जानवर और कहीं नहीं मिलेगा। और एंडेमिक फ्लोरा यानी कि ऐसा पेड़ जो कि सिर्फ यहीं मिले और कहीं नहीं मिले, दैट इज़ वाइट सिरिस। और भी काफ़ी सारे एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टाइगर, एलिफेंट, राइनो, सांबर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। और इसका एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना है वंडा एंड नीलगिरी लंगूर, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जैसे कि जैक फ्रूट, जामुन, ब्लैक बग, टाइगर, एलिफेंट। जैक फ्रूट मतलब कटहल, ये सबको पता है। और बाकी चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है यार, जो लिखा है उसको एज इट इज़ पढ़ो, ज़्यादा मतलब इतना ओवर मत करो। नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन की, मतलब आपको याद ही ना हो इतना ओवर कर दो। फिर नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन, और ये नेम्स हैं तो हिंदी और इंग्लिश वालों को आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेम्स ही तो है यार अट्टो। और इसमें और कुछ एक्सप्लेन वाला है भी नहीं, सिर्फ नेम्स ही हैं जो कि आपको याद करने ही करने हैं। तो आप लोग इजीली नोट्स बना लो इसके और पढ़ो, अब इससे इजी कोई नहीं समझा सकता आपको ये चीज़ें। फिर हमारा है सुंदरबन। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ का सुंदरबन की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को सुंदरबन नेशनल पार्क में मैंने पढ़ाया था तो उसकी बताई थी कि उसका नाम सुंदरबन कैसे पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा है तो आपको पता होगा, तो सुंदरबन में सुंदरी ट्रीज होते हैं इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा। और तो ऑब्वियसली ट्री है तो फौना इसका एंडेमिक सुंदरी ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं प्रेजेंट होता है। और एंडेमिक फौना बंगाल टाइगर्स, जो कि मोस्टली सबको पता है। फिर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे जैसे कि लेपर्ड, टाइगर, क्रोकोडाइल, टर्टल एक्सेट्रा। अच्छा ये मैंने लिख दिए ये एक एक लाइन में, इसको आप लोग अच्छे से प्रॉपर वे में लिखना कि यहाँ पे और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मतलब और भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये आप लोग नाम लिखना, ठीक है। मतलब उसको एक प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखना, ऐसे शॉर्ट में मत उड़ाना, ओके। और बाकी ये ऐसे ही हेडिंग वगैरह बना के लिखना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।